हेलो स्टूडेंट्स, आज आपां बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन का नैक्सट पार्ट जिदे च आपां किंगडम मोनेरा ते किंगडम प्रोटिस्टा करांगे। बहुत ही सिंपल है बेटा, सिर्फ तुहानूं नामां तों लगदा होणा कि असीं किवें याद रखांगे मोनेरा प्रोटिस्टा, पर जिवें जिवें तुसीं बार बार इन्हां नूं रीड करोगे, ये उही ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े तुहाडे आले दुआले प्रेजेंट ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने पर आपां नूं दिखदे नहीं। ठीक है, आपां उन्हां नूं देख नहीं सकते, तो उन्होंने आपां सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हाँ। ठीक है, तो कॉमन ऑर्गेनिजम्स ने नाम तुसी सब ने सुने हुए ने। ठीक है, मोनेरा की है एक्चुअली, मोनेरा बैक्टीरिया ही है। ठीक है, मोनेरा इज बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स। ठीक है, सारे यूनीसेलुलर जो प्रोकैरियोट्स ने वो किंगडम मोनेरा के अंडर आते हैं। पिछली वीडियो आप देखे, आपको पता डेफिनेशन के प्रोकैरियोट्स की होंगे ने, विच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस और हैविंग अ नेक्ड डीएनए। यूनीसेलुलर सिंगल सेल्ड, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, आता बेटा डिवाइडिंग बैक्टीरिया तो शो किया हो। हाँ जी, नेक्स्ट इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, दैट इज़ विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, सैल वॉल प्रेजेंट होंगी है उन्होंने आले दुआले। ठीक है, उन्होंने साइडा से एक वॉल प्रेजेंट होंगी है, मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एबसेंट होंगे ने, आप प्रोकैरियोट के करैक्टर्स पढ़िया हुआ। रीप्रोडक्शन मीनस कि अगे इन्हों की प्रोजेनी किमें बधूगी। सब तो पहले चैप्टर आप लिविंग थिंग्स के या लिविंग बीइंग्स के करैक्टर्स के विच, ठीक है, उदे च आपां रीप्रोडक्शन किया। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, रीप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारे करैक्टर किए से रीप्रोडक्शन। ठीक है, मीनस टू रीप्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी कि अगे वे ऑफस्प्रिंग्स या अगे डॉटर सैल्स किमें बन गया, तो वो एसेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल का मीनिंग हुंदा के सिंगल ही बैक्टीरिया इनवॉल्व होंदा। ठीक है, तो उदिया दो कॉपियां बन जांदियां ने। ठीक है, दूसरा है जीन रिकॉम्बीनेशन। जीन रिकॉम्बीनेशन मीनस जीन्स एक्चुअली की होंदिया, जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट आ, उस डीएनए ने अपने सारे के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट आ, उस डीएनए ने ही अपने सारे करैक्टर्स बनाने ने, तो डीएनए के पार्ट्स नूं ही जीन्स कहा जाता। तो जीन रिकॉम्बीनेशन दे विच दो बैक्टीरिया इनवॉल्व हुंदे ने। ठीक है, टू बैक्टीरिया जिहड़े जिन्हां ते कईआं दे स्पैशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुंदा, जिहनूं पाइलस बोलदे ने, नैक्सट आपां वीडियो च देखांगे। ठीक है, कईआं चों स्ट्रक्चर एबसेंट हुंदा पाइलस स्ट्रक्चर, तो दोनों बैक्टीरिया एक दूजे दे क्लोज आउंदे ने, तो एक बैक्टीरिया अपने पाइलस वाले जीन्स नूं एक्सचेंज करता टू नैक्सट अदर बैक्टीरिया। तो जीन रिकॉम्बीनेशन सैक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आ, मीनस ये दो बैक्टीरिया इनवॉल्व ने। ठीक है, वो दो बैक्टीरिया आपस च मटीरियल एक्सचेंज करते हैं। नैक्सट है फ्लैजिला, मे बी प्रेजेंट और नॉट। फ्लैजिला की हुंदा बेटा, फ्लैजिला एक्चुअली जो बैक्टीरिया मोटाइल होंदे ने, मोटाइल वर्ड हुंदा एक, मोटाइल मतलब मूवेबल, कुछ बैक्टीरिया मूव कर सकते ने, तो उन्हां दे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुंदा जिन्हों बोलते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला बैक्टीरिया दी मूवमेंट दे विच हैल्प करदा, बैक्टीरिया मूव करदा इहदे हैल्प नाल। एग्जाम्पल्स नीचे दित्तियां होईयां ने, कॉमन बैक्टीरिया सुनिया होया आपां, ब्लू ग्रीन एलगी शायद आपां सारयां ने देखी होवे, शायद लोअर क्लासेस तुसीं पढ़िया भी होवे, साइनोबैक्टीरिया दा दूसरा नाम। ठीक है, जिहड़ी पॉन्ड्स दे उपर, ठीक है, ग्रीन ग्रीन काई जी जम जांदी है। ठीक है, पॉन्ड्स दे उपर आपां नूं कई वारी ग्रीन दिखदा, वो है ब्लू ग्रीन एलगी, मोस्टली साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, हाँ जी, बैक्टीरिया नूं आपां उन्हां दीआं शेप्स दे अकॉर्डिंग डिफरेंट नाम दिंदे आ। फर्स्ट है कॉकस बैक्टीरिया, कॉकस जिहड़े सर्कल सर्कूलर जां स्फेरिकल आपां कह सकदे आ, स्फेरिकल इन शेप हुंदे ने। स्पिरिलम बैक्टीरिया, दिस इज
ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਬੈਸੀਲਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੈਟ ਆਰ ਵਿਬਰੀਓ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਕਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਪੇਰੇਲਮ ਸਪਾਇਰਲ ਔਰ ਕੋਇਲਡ ਆਦਿ ਸਪਾਇਰਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਇਹ, ਬੈਸੀਲਸ ਇਜ਼ ਰੋਡ ਸ਼ੇਪਡ ਐਂਡ ਵਿਬਰੀਓ ਇਜ਼ ਕੌਮਾ ਸ਼ੇਪਡ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਰੈਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਕੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ, ਆਰਕੀ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਲੋਫਾਈਲਸ। ਹੁਣ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਲਵਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਲਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈਲੋ ਫਾਈਲਸ। ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ, ਜਿਹ 'ਚ ਐਸਿਡਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪਰਿੰਗਸ, ਸਪਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਥਰਮੋ ਐਸੀਡੋਫਾਈਲਸ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਥਰਮੋ ਐਸੀਡੋਫਾਈਲਸ। ਥਰਡ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਦਲੀ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਦਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਹੈਲੋਫਾਈਲ, ਥਰਮੋ ਐਸੀਡੋਫਾਈਲਸ, ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ। ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਆ। ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੰਨੇ ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਮਿਥੈਨੋਜਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਿਥੈਨੋਜਨ ਹੈਲਪ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ, ਉਹੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਓਜ਼, ਬਫਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ, ਉਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਆਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਈ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਕਰੀਓਟ ਵਰਡ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਟਰੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਜਿਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟਾਈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਫਲੈਜੀਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਲੈਜੀਲਮ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੇਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਟਾਈਲ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੈ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਈਨੋ ਵਰਡ ਬੇਟਾ ਕਲਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨੋ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੂਇਸ਼ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੂਇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਸ ਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਲੰਬੇ ਰਿਬਨ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਮੈਰੀਨ ਜਾਂ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰੀਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਫਰੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਗਿਊਮਿਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਊਂਡ ਨਡਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਡਿਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਸੋਇਲ 'ਚ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, HNO3 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੋ, ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਟਾਈਪ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀਮੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕੀਮੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਰੀ ਲਾਸਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਕੀਮੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ H2O+CO2, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਗਲੂਕੋਸ C6H12O6, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਵਾਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, H2O, ਤਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚੋਂ H ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, C6H12O6,
पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे विच जो हाइड्रोजन का सोर्स आ वो वाटर नहीं हुंदा, वो कित्थों हुंदा, नाइट्रेट तो, किसी भी नाइट्राइट तो, अमोनिया तो, ठीक है, उस चीज़ नू यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाउंदा। आ जिहड़ा प्रोडक्ट बने एनर्जी हुई है, इन्हें बाद विच सैल दे विच एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते ने इनऑरगैनिक सबसटांसिज नू, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते इनऑरगैनिक सबसटांसिज लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो इन टर्न ये सारे बैक्टीरिया हैल्प करते ने कि नेचर दे विच रीसाइकलिंग होंगी नाइट्रोजन फॉसफोरस सल्फर की, ठीक है, दोबारा रीसाइकल का मतलब होंगे कि नाइट्रोजन एटमोसफीयर चो यूज़ करके उन्होंने फिक्स किया, सोयल दे विच मिली, वह सोयल दे विचों प्लांट च गई, प्लांट की जो डैथ हो गई वो डिके किया, फिर नाइट्रोजन रिलीज़ हुई, रीसाइकलिंग का प्रोसैस आ कि साइकल घूमी जा रहा, ठीक है, कि साइकिल उवें चल रहा कि जो चीज़ उत्थों प्रोड्यूस होने द्वारा फिर एटमोसफीयर च आ जाती है, तो वह चीज़ उस साइकिल नूं मेनटेन करके रखते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। लास्ट यू बैक्टीरिया की टाइप आ बेटा हैट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हैट्रोट्रॉफिक, हैट्रो मीनस हाँ जी हैट्रोट्रॉफिक विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, डिपेंडेंट ने दूसरों पर, ठीक है। मोस्टली ये वाले बैक्टीरिया एक्ट करते हैं एज अ डीकंपोजर के किसी डेड ऑरगैनिक मैटर से ग्रो करके उन्होंने डीकंपोज करना। डीकंपोज का मीनिंग की होंगे बेटा कि अपने कोले कोई डेड मान लो लीफ पिया, ठीक है, एक लीफ आ वो हौली हौली डिके, डिके का मतलब गलना, गल के, ठीक है, उदे चों क्यों वो पत्ता कहता बनया हुआ, उस कार्बन भी प्रेजेंट आ, उस हाइड्रोजन भी प्रेजेंट आ, ऑक्सीजन भी आ, नाइट्रोजन भी आ, किन्ने तरह के एलीमेंट्स वो प्रेजेंट आ। तो ये जो डीकंपोजर बैक्टीरिया ने हौली हौली इनू, ठीक है, डीकंपोज करते जो आप कहते पत्ता गल रहा, ठीक है, तो ये चो जो ये एलीमेंट्स ने द्वारा फिर नेचर च आ जाते हैं उही रीसाइकलिंग जिन्हों आप हमने बोले टर्म न, ठीक है, तो यह हैल्प करते हैं डीकंपोजिशन। ओके, नैक्सट इन्हों का रोल है, नैक्सट इंपॉर्टेंट रोल है यह बैक्टीरिया का, हैल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही बना हैल्प करते हैं हैट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते बेटा, ठीक है, थानू इन्नी डिटेल नहीं है, अपना जनरल देखना कि इन्हों यूजेज की ने, ठीक है, हाँ जी। तो दीज आर हैल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की होंगी मेडिसन, जिमें अपना मान लो गला खराब हो गया, अपन कोई बैक्टीरिया की इनफेक्शन होगी, तो वो जो आप मेडिसन लें एंटीबायोटिक देंगे अपन डॉक्टर कि वह बीमारी वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तो एंटीबायोटिक बना भी हैल्प बैक्टीरिया ही करते हैं, ठीक है, लैबोरेटरीज एंटीबायोटिक उन्होंने तो ही बनते हैं। नैक्सट नाइट्रोजन फिक्सेशन, हैट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन लैग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लैग्यूमिनस प्लांट्स पहले ही डिस्कस किया मैं, दालों नूं कहिंदे लैग्यूम्स, जो दालों होंदियां ने उन्हां दी जड़ां दे विच प्रेजेंट होंदे ने बैक्टीरिया। नैक्सट होर की रोल प्ले करते हैं नेचर दे विच ये बैक्टीरिया, ये डिजीज़ भी यही कॉज करते हैं बीमारियां ह्यूमन बीइंग्स दे विच, किहड़ियां किहड़ियां इत्थे नाम लिखे आ इंपॉर्ट, ठीक है, कॉमन ही ने कॉलरा, ठीक है, वी डर्ट गंदा जो पानी हुंदा उहदे चो बैक्टीरिया उहदे नाल की हुंदा वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, टाइफाइड कॉमन आ, टैटनस, ठीक है, सिट्रस कैंकर प्लांट नाल रिलेटिड डिजीज़ आ, ठीक है, पत्ते आ जिहड़े वाइट वाइट होने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स के, तो भी दैट इज़ ऑलसो रिलेटिड टू बैक्टीरिया, ठीक है। लास्ट बैक्टीरिया टर्म आती है बेटा एक माइकोप्लाज्मा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता माइकोप्लाज्मा की होंगे ने, सब तो पहली गल दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सैल्स नोन, ठीक है, अर्थ दे सब तो स्मॉलेस्ट जो लिविंग सैल्स ने, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम आ लिविंग आ, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का इंपॉर्टेंट अगे करैक्टर आ दे लैक सैल वॉल, हुण तक सारे बैक्टीरिया दे आले दुआले सैल वॉल प्रेजेंट सी, पर माइकोप्लाज्मा दे उत्ते
सैल वॉल नहीं होंगी उन्होंने आले दुआले, मैम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी है सिर्फ, पतली जी वॉल नहीं प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये वॉल एबसेंट होंगी है, ठीक है। नैक्सट माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन नेचर होंगे ने बेटा, पैथोजेनिक का मीनिंग, ठीक है, ये भी डिजीज ना रिलेटेड आ, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइकोप्लाज्मा दे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लैक सैल वॉल एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सैल्स नोन, ठीक है। नैक्सट बेटा अपने आ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा इट कंटेन्स ऑल सिंगल सैल्ड यूकैरियोट्स। हमने आप साइनोबैक्टीरिया पढ़िया, वह जे एल बैक्टीरिया तो जिदे च क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट सी, उहदे चों प्लांट लाइक फीचर्स अगे बन सकते ने, ठीक है। प्लांट्स ने जिहड़े हौली हौली उहदे तो इवॉल्व होए होणगे, तां करके ट्री दी शेप इह आ, ठीक है, उहदे च ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन सी। सेम ही, ठीक है, किंगडम अगे है फंजाई, हाँ जी किंगडम फंजाई, जिदे च आपां करांगे हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन एबजॉर्प्शन टाइप। नैक्सट है किंगडम एनीमेलिया, हैट्रोट्रॉफी इंजेशन, ठीक है, इंजेशन टाइप ऑफ जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिजम इंजेस्ट करते हैं, तो यह सारिया किंगडम्स इन्हों तो ही ओरिजिन हुई ने। जी हम आप मेन किंगडम पढ़नी है प्रोटिस्टा, ये मेन कनैक्टिंग लिंक मनिया गया इनू कि प्लांट्स एनीमल्स नू आपस कनैक्ट करने वाला, फंजाई नू तिन्ना नू कनैक्ट करने वाला किंगडम प्रोटिस्टा ही है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा ने सारिया नू कनैक्ट करके रखे, क्योंकि उन्हां सारिया च किंगडम प्रोटिस्टा वाले करैक्टर्स प्रेजेंट ने, ठीक है जी बेटा। किंगडम प्रोटिस्टा, इन किंगडम प्रोटिस्टा ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। ये नंबर वन आते हैं बेटा क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के जो एग्जाम्पल्स ने है डायटम्स गोल्डन एलगी, ठीक है। वीडियो आप देखते हैं पहला कि पॉन्ड वाटर या ओशियंस मेरीन जिन्हें भी मतलब ओशियंस ने पानी का सोर्स ने उन्हां च मैक्सिमम प्रेजेंट होंदे ने प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स का अपनी लाइफ च बहुत वड्डा रोल आ, कुछ प्रोटोजोन्स फोटोसिंथेटिक होंदे ने प्लांट लाइक, जिहड़े अर्थ ते 20% ऑक्सीजन ओही प्रोड्यूस करदे ने बेटा, है बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ने, ठीक है। नंबर वन है क्राइसोफाइट, इन्हां नूं डायटम्स जां गोल्डन एलगी भी बोलते हैं, गोल्डन कलर दे हुंदे ने इह। गोल्डन कलर कादे करके अपीयर हुंदा, इन्हां दीआं सैल वॉल्स दे विच सिलिका, सिलिका कॉमन प्रेजेंट हुंदा जिवें मिट्टी च, ठीक है, सिलिका प्रेजेंट हुंदा एलीमेंट है इह, सॉरी कंपाउंड है, ठीक है, सिलिका इज प्रेजेंट। तो जदों क्राइसोफाइट्स डायटम्स दी डैथ हुंदी आ तां इह नीचे कलैक्ट हुंदे रहिंदे ने ओशियन से नीचे, तो हौली हौली उत्थे मिट्टी है जिहड़ी उपर तक आ जाती, मतलब उत्थे जमा होनी शुरू हो जाती है, जिहनूं कि टर्म दिती जाती है डायटमेशियस अर्थ, जिहड़ी फुल ऑफ सिलिका हुंदी है। तो इस डायटमेशियस अर्थ नूं इंडस्ट्रियल लैवल ते पॉलिशिंग, किसी चीज़ की पॉलिशिंग करनी आ, ऑयल्स फिल्टर आउट करने ने, उहदे च इहदा बहुत मेजर रोल आ इस डायटमेशियस अर्थ का। तुहानू क्वेश्चन आ सकता है कित्थों प्रोड्यूस हुंदी आ एंड वाई, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सिलिका विच इज़ प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ क्राइसोफाइट्स स्पैशली डायटम्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स तो बाद है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स नैक्सट डाइनो का मीनस है टू, ठीक है, टू फ्लैजीलाए प्रेजेंट होंगे ने, अगे आप वीडियो देखा, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट माइक्रोस्कोप अंडर किहोजे लगते हैं, तो एक इतना ट्रांसवर्स लैवल, ठीक है, ट्रांसवर्सली एक फ्लैजीला प्रेजेंट होंगे, एक लोंगीट्यूडनल फ्लैजीला प्रेजेंट होंगे,
ये 2D डायग्राम है, इस करके चंगी तरह ऑब्जर्व नहीं हो रहा। 3D पिक्चर दे विच अगे ऑब्जर्व करोगे तुसी तो 2 फ्लैजिला होने करके दा नाम है डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट जी कि कॉमन एग्जाम्पल आ तुहाडी बुक दे विच गोनियोलैक्स। नैक्सट आपां गोनीलैक्स बारे वीडियो देखांगे कि गोनीलैक्स रैड टाइड प्रोड्यूस करदा। ठीक है, सीज दे विच रैड टाइड, गोनीलैक्स प्रोड्यूसिस रैड टाइड। जदों ये इन्नी जल्दी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिंदा तां जो समुंदर दीआं लहरां ने रैड अपीयर हुंदीआं ने। ठीक है, रैड कलर का पिगमेंट इच प्रेजेंट हुंदा, उहदी एग्जाम्पल है गोनीलैक्स साडी बुक्स दे विच। हाँ जी बेटा, नैक्सट टाइप का जो प्रोटिस्ट आता अपने को है यूगलिनोइड्स। यूगलिनोइड्स थर्ड नंबर पर आए ने। इन एक बहुत अजीब करैक्टर है जिहड़ा इन्हां नूं कनैक्टिंग लिंक बनाउंदा कि कनैक्शन ने बिटवीन प्लांट्स एंड एनीमल्स। वो कि इन्हां च क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट आ, तां करके जदों सनलाइट प्रेजेंट हुंदी आ तां इह फोटोसिंथेसिस करदे ने। दूसरे नंबर पर जदों सनलाइट नहीं प्रेजेंट हुंदी तां इह बिहेव करदे ने एज़ अ हैट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हैट्रोट्रॉप्स कहिंदे ने जिहड़े होर चीज़ों पर डिपेंडेंट ने, जिहड़ा अपना फूड आप नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो होंदे हैट्रोट्रॉप्स। जदों इह सनलाइट नहीं हुंदी तां वो आपदा फूड हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रीशन नाल लेंदे ने, एनीमल्स की तरह बिहेव करते हैं। जदों सनलाइट प्रेजेंट आ उदों प्लांट्स की तरह बिहेव करन लग जाते हैं। ता करके यूगलिनोइड्स नूं कनैक्टिंग लिंक मन्या गया कि आइडेंटिकल आ टू प्लांट्स एंड एनीमल्स। ठीक है, आपां उसे वाइटेकर 5 किंगडम क्लासीफिकेशन दे विच तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया कि जदों आपां ऑब्जर्व करते हाँ तो उस ट्री दे विच किंगडम प्रोटिस्टा तो ही अगलियां 3 जो किंगडम्स ने ओरिजिनेट हुंदियां ने। ठीक है, तो यूगलिनोइड्स नूं कनैक्टिंग लिंक कनैक्शन मन्या गया। ठीक है, इहदे इक होर फीचर है, इहदे च प्रोटीन रिच जो कवरिंग है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट हुंदी है जिहनूं बोलदे पेलिकल, जो इसकी बॉडी नूं फ्लैक्सीबल बनाउंदा। ठीक है, दैट वर यूगलिनोइड्स। हाँ जी, नैक्सट है स्लाइम मोल्ड्स। नैक्सट टाइप है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। हाँ जी, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक की ना, हाँ जी, ऑर्गेनिक जो वेस्ट आ उहदे उत्ते ग्रो करदा, उहनूं डिके करदा ते अबजॉर्ब करदा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन। ठीक है, हियर एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड, दे एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाजमोडियम। जदों स्लाइम मोल्ड बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इनू ओवरऑल टर्म दें बेटा प्लाजमोडियम। ये टर्म मैं इतने हाईलाइट की है क्योंकि अगे नैक्सट कैटेगरी आनी है प्रोटिस्ट की, प्रोटोजोन। वो प्लाजमोडियम तुम एग्जाम्पल पढ़नी है, वो तो प्लाजमोडियम फर्क आ। ठीक है, वो एग्जाम्पल आ टाइप ऑफ प्रोटोजोन, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम का नाम आनू कैपीटल पी नाल। ठीक है, मैनशन किया जाता प्लाजमोडियम। ये प्लाजमोडियम स्लाइम मोल्ड्स के एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुंदा जिदे च स्लाइम मोल्ड जो ऑर्गेनिजम आ वह मल्टीप्लाई होके कट्ठे एग्रीगेट बना लेंदे ने, कट्ठे एक ग्रुप बना लेंदे ने, ते ट्विग्स जां लीव्स दे उत्ते ग्रो करदे ने। उहनूं आपां बोलदे हां उसनूं प्लाजमोडियम कहण लग जांदे आ उस एग्रीगेट नूं। ठीक है, इहदे च जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुंदे ने, स्पोर्स की हुंदे ने, जिवें प्लांट्स दे केस च आपां सीड्स कह दिंदे आ कि नवां प्लांट बनना, ये लोअर ऑर्गेनिजम ने स्पोर्स तो एक नवा ऑर्गेनिजम फॉर्म होगा। ये स्पोर्स बनते हैं, वो वॉल्स प्रेजेंट होंदिया ने, तो स्पोर्स बहुत साल तक सरवाइव करते हैं, खत्म होंगे जो कंडीशनस ठीक आदियां ने। उन्होंने कोई होर ऑरगेनिक मैटर मिलता तो स्पोर्स तो नवे जो ऑरगेनिजम स्लाइम मोल्ड आ प्रिपेयर हो जाता। ठीक है, लास्ट कैटेगरी है किंगडम प्रोटिस्ट, है किंगडम प्रोटिस्टा दी बेटा प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटो अमीबॉइड अमीबा लाइक अमीबा एग्जाम्पल आ, ये सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे ने, तुसे लोअर क्लासेस किया अमीबा। नैक्सट है फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे ने। यह जे प्रोटोजोन्स की करते हैं, जे दे कॉज
डिजीज़ लाइक, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स दे विच डिजीज़ कॉज करते हैं, जिवें स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोजोमा दी एग्जाम्पल आ। एक एक एग्जाम्पल जो हो सके याद कर लियो तुसीं। एक्चुअली प्रोटोजोन्स का मेन करैक्टर की है बेटा, हुण आपां न्यूट्रिशन के टाइप अगे पहुँच चुके आपां हैट्रोट्रॉप्स, ठीक है, ये प्रोटोजोन्स हैट्रोट्रॉप्स ने, ठीक है, विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। नैक्सट टाइप आँदी है सिलिएटेड, जिन्हां ते सीलिया प्रेजेंट होंदे ने, सीलिया पैरामीशियम तुसीं देखिया उहदे ते बहुत छोटे छोटे इदां स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदे ने जिहड़े उहदी मूवमेंट च हैल्प करदे, उहनूं बोलदे आ सीलिया, ठीक है। तो सिलिएटेड हैव सीलिया टू मूव, ठीक है, फूड उहदे च स्ट्रक्चर बनया हुंदा जिहनूं गलत इन्नी डिटेल नहीं आपां करनी, मेन तुहानूं सीलिएटेड का मीनिंग ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨ ਕਾਮਨ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲੇਰੀਆ ਕੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ, ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਪੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ 'ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਮ ਮੋਲਡ ਦੀ एग्रीगेट नू स्मॉल पी वाले प्लाजमोडियम डिनेट, ठीक है, डिनोट करते हैं। कैपिटल पी वाले प्लाजमोडियम नू एग्जाम्पल है स्पोरोजोन दी, प्रोटोजोन दी, ठीक है, जेड़ा अपने च मलेरिया कॉज करदा, ठीक है। दैट आर हुण की हो गया प्रोटोजोन्स, ठीक है। सो आपां टोटल जो किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा च टर्न वाइज पांच कैटेगरीज़ कीतियां ने, क्राइसोफाइट्स, चाहे शुरू तो दोबारा देखियो, क्राइसोफाइट्स नंबर वन थे, डाइनोफ्लैजिलेट, यूगलिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। इहदा मतलब आपां परफेक्ट प्रोटेस्टा दे कोई भी करैक्टर्स नहीं दस सकते। प्रोटेस्टा दा, सारे प्रोटेस्टा दा कॉमन करैक्टर की है कि यूनीसैलूलर यूकरियोट ने, यूनीसैलूलर माइक्रोस्कोपिक यूकरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने, पर ये बहुत डाइवर्स तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ने, ता ही इस कैटेगरी दे विचों बाकी तीनों जो अगलिया किंगडम्स ने इवॉल्व हुई, ठीक है, सारिया किंगडम्स इन्हों तो ही ओरिजिनेट हुई। मेन ओरिजिन कितों होया, किंगडम मोनेरा तो, ठीक है, शुरुआत तो अर्थ के उत्ते जो ऑर्गेनिजम से हुई, मोस्ट प्रिमिटिव आप पढ़िया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, इसे वीडियो लैक्चर च। तो किंगडम प्रोटेस्टा दे विच पांच कैटेगरीज आउंदियां ने, पंचां दे करैक्टर्स तुहानू जो सिलेबस दे विच के जो इंपॉर्टेंट दो दो तीन तीन करैक्टर्स ते एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुहानू क्लीयर हो गया होना चैप्टर, ठीक है, दोबारा सुन लियो इस वीडियो नूं। ते जे तुहाडे कोल बुक्स आ गईयां ने, आपां PSEB बायो दी बुक जां NCERT, ठीक है, सेम ही आ, तो उस चों रीडिंग लै लियो एक बारी, तो तुहानू सारा समझ आ जूगा। तो नोटबुक्स के विच नोट्स जरूर बना लियो बच्चों। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।